तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मित्सुको को दिखाया जाता है जो बार बार एक बुरा सपना देख रही थी। सपने में उसे एक सुंदर बट बहुत ही क्रीपी डॉल नजर आ रही थी जिसे डर कर अचानक से मित्सुको का नींद टूट जाता है। पर जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है उसे सामने काली परछाई दिखता है जो कि उसी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। अब इसे देखकर मित्सुको बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है लेकिन फिर पता चलता है कि ये बस एक सिंचन का टॉय था। अब इधर काफी शाम हो चुकी थी बट मित्सुको को कहीं भी सिंचन और हिमावारी नजर नहीं आ रहे थे। मित्सुको जब उन्हें ढूंढते ढूंढते एक कमरे में पहुंची तो वहाँ सिंचन और हिमावारी बहुत ही शांत बैठे हुए थे और जब वो मित्सुको की तरफ मुड़ते हैं तब उनके फेस पर बहुत ही अजीब साइंस का सिंबल बने हुए थे। अब ये देखकर मित्सुको घबरा जाती है जिससे उसके पैर में चोट लग जाता है जिससे तुरंत बाद ही सिंचन और हिमावारी बहुत ही अजीब तरीके से हंसते हैं। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें इधर दिखाया जाता है कि जब हैरी घर पर आता है तो वो हिमावारी के लिए एक डॉल लाता है जिसे देखते ही मित्सुको के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि वो सेम सपनों वाली ही डॉल होती है। मित्सुको और सिंचन को वो टॉय बहुत ही अजीब लग रहा होता है जिसके बारे में वो हैरी को भी बताते हैं। बट जब हिमावारी उसको खेलने लगती है तो मित्सुको को रियलाइज होता है कि उसको भी इन डिस्टर्बिंग चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब कल जब हैरी ऑफिस जाता है तो उसका एक पार्टनर उसे कहता है हैरी तुम्हें वो डॉल को नहीं खरीदना चाहिए था। कहा जाता है उस डॉल में एक बुरी लड़की की आत्मा है। इधर घर पर कल रात से हिमावारी उस डॉल के साथ बहुत ही ज्यादा खेल रही थी जिसे देखकर जब सिंचन ने उसे वो डॉल लेने की कोशिश की तो सिंचन को ऐसा फील हुआ कि मानो वो डॉल जिंदा है। जब सिंचन ये बात मित्सुको को बताता है मित्सुको देखती है कि वो डॉल अपने आप ही अपने फेस को उनकी तरफ कर लेती है और फिर हिमावारी को सुलाकर अपने पैर पर खड़ी हो जाती है जिसे देखते ही मित्सुको और सिंचन बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अब इधर पार्टनर से बात करने के बाद हैरी बहुत ही जल्दीबाजी में घर जा रहा होता है। इधर घर के सारे खिलौने अब जिंदा होकर उस क्रीपी डॉल के कंट्रोल में आ जाते हैं और उसके कहने पर सिंचन और मित्सुको को चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ जब हैरी घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो अचानक से घर का दरवाजा बंद हो जाता है। वो क्रीपी डॉल उन खिलौनों की साइज बहुत बड़ी कर देती है और उन्हें और भी खतरनाक बना देती है जिसमें से खिलौना मित्सुको और सिंचन को कुचल देता है। बट तभी मित्सुको की नींद खुल जाती है एंड वो बहुत हाँफने लगती है बट शुक्र मनाती है कि ये बस एक सपना ही था। बट यार एपिसोड के लास्ट में हम ऑडियंस को एक कचरे का ढेर दिखाया जाता है जिस पर वही सेम डॉल बैठी होती है और हंस रही होती है। नंबर टू स्पंजबॉब रेड मिस। तो यार स्पंजबॉब का एक बहुत ही क्रीपी सा एपिसोड है जिसमें इसकी काफी ट्विस्टेड स्टोरी लाइन है लेकिन उससे पहले आपको ये क्लिप देखनी पड़ेगी। इसमें आप देख सकते हो कि स्क्विडवर्ड एक एक करके दरवाजा खोल रहा है और जब वो तीसरा दरवाजा खोलता है तो उसे खुद का ही क्रीपी सा वर्जन दिखता है। अब जब इस एपिसोड को दूसरे कंट्री में एयर किया गया था तो फिर इस सीन को ही चेंज कर दिया गया था और उसके जगह पर एक बच्चे के चेहरे को दिखाया गया था। और देखो माना यह चेहरा क्रीपी है लेकिन उतना भी नहीं कि इसे पूरी तरीके से चेंज कर देना पड़े। और इसके चेंज करने के पीछे दूसरा रीजन भी है जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना है। दरअसल एक स्टोरी काफी ज्यादा पॉपुलर है कि स्पंजबॉब की टीम जो एनिमेट करती है उनके साथ एक स्टूडेंट इंटर्न पर काम करने आया था और उसने फाइल पर काम करते हुए एक एपिसोड को देखा जिसका नाम था रेड मिस और उसका काम था एपिसोड को रिव्यू करना। तो फिर वो उस फाइल को देखने लगा। वो धीरे धीरे देखता गया कि एपिसोड बहुत ही ज्यादा डरावना होता जा रहा था। दरअसल इस एपिसोड में स्क्विडवर्ड एक कॉन्सर्ट में इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है लेकिन लोगों को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता जिसके बाद यह डिप्रेशन में चला जाता है और यह एक बंद कमरे में अजीब तरीके से बैठ जाता है और रोने लगता है। फिर तभी बैकग्राउंड में बच्चों की रोने की आवाज और बहुत ही ज्यादा डरावनी आवाजें आने लगती हैं जिसके बाद फिर धीरे धीरे फ्रेम को स्क्विडवर्ड की तरफ दिखाया जाता है जिसके बाद एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है। स्क्विडवर्ड की आंखों से खून निकलने लगता है और फिर वह इस तरीके से बहुत ही क्रीपी वे में खड़ा होता है जिसके बाद फिर पीछे से आवाज आती है डू इट जिसके बाद ये फिर खुद को गोली मार लेता है। अब यार जाहिर सी बात है इस एपिसोड को एयर नहीं किया गया था लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह एक रियल स्टोरी है। वहीं निकलोडियन में काम करने वाले लोग का कहना है कि यह स्टोरी पूरी ही तरीके से फेक है। बट यह चीज इंटरनेट पर काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था इसलिए निकलोडियन ने अपने आगे के एपिसोड में इस वाले इमेज को एक रेफरेंस के लिए यूज किया था यानी कि स्क्विडवर्ड के अलग अलग वर्जन दिखाए जा रहे थे तभी इस वर्जन को भी दिखाया गया था लेकिन फिर इसकी क्रीपी बैक स्टोरी को ध्यान में रखकर इसे बाकी कंट्रीज में चेंज भी कर दिया गया। नंबर थ्री डोरेमोन। तो यार डोरेमोन के एक मांगा का एपिसोड है जो कि इतना ज्यादा क्रीपी था कि कभी भी उसे टीवी पर नहीं दिखाया गया था। तो सबसे पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोई जियान की ड्राइंग बनाकर उसको बिगाड़ रहा होता है जिसके बाद ठीक इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि नोबिता ही है जो कि बहुत ही ज्यादा
क्रीपी दिख रहा था। जब नोबिता को डोरेमोन ऐसा करते हुए देखता है तो कहता है कि ये बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो, मुझे अपनी सेविंग दो, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी चीज है। इसके बाद डोरेमोन नोबिता के सेविंग से लेकर टाइम मशीन से कहीं चला जाता है। वापस आकर वो बहुत ही अजीब सा मशीन नोबिता को दिखाता है जिस पर मिनी हेल जैसा कुछ लिखा हुआ होता है और जिसमें कांटों वाले माउंटेन, जलती हुई आग, गर्म पानी का कुआं और भी बहुत ही हॉरिफिक सी चीजें होती हैं। आगे डोरेमोन नोबिता को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि इस मशीन में अगर तुम यहाँ पर किसी भी फोटो को डालोगे वो इसके अंदर चला जाएगा और उसके बाद तुम उसे हेल के किंग जैसे ही परेशान कर सकते हो। नोबिता जैसे ही सुनता है उसके फेस के ऊपर एक बहुत ही क्रीपी सा स्माइल आ जाती है और वो बोलता है कि डोरेमोन क्या तुमने फोटो से बात की, वो तो मेरे पास उसकी भर भर के हैं। जिसके बाद नोबिता जियान की फोटो डालकर उसे मशीन के अंदर ले आता है और फिर उसको परेशान करना स्टार्ट कर देता है। भाई नोबिता एंड डोरेमोन फिर जियान के साथ जो करते हैं वो बहुत ही दर्दनाक और हॉरिफिक होता है। अब जियान के बाद ये सुनियो को भी लाते हैं एंड उसको भी ये बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं। यार उस एपिसोड की स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा क्रीपी थी और हो ना हो बहुत से लोगों का तो ये मानना है कि इसे पक्का ब्लैक फूजी को ही नहीं लिखा होगा, जिनको कि ऐसा स्कैरी एपिसोड बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो यार अब इतने इन्फॉर्मेशन के बाद कुछ मजेदार मीम्स तो बनते हैं ना। डो रिजाइन फ्रॉम केएफसी एंड जॉइन नाइकी। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे, किस्मत में होगा तो पैसा खुद चल के आएगा। भाई बंदा सीक्रेट एजेंट है, तुम्हें पता क्या है? हाउ टू सिंग क्लासिकल विदाउट नॉइंग।